टाइटल इज तो कायनात ए हुस्न है या हुस्न ए कायनात एंड ये जो बयान या फिर जो एक क्लिप होने वाली है ये है मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई हाँ तो मतलब अभी ये जो वीडियो होने वाली है हम सबसे सब पहले पहली बार इनकी वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता मुझे नहीं पता पर स्पेशली आई गेस इसने एक दो बयान आई गेस देखे भी हूँ नहीं मैंने भी नहीं देखे तो मैं भी इनकी वीडियो फर्स्ट टाइम ही देखने वाली हूँ कि कैसी होने वाली है तो गाइज अभी बिना बातें करते तो हुए देखते हैं क्योंकि टाइटल तो बड़ा ज्यादा वो लग रहा है कैची सा तू कायनात कायनात उसने ये ऑफ उसने कोर्स तो, तो, तो भी देखते का? हैं कि क्या होने वाला है वीडियो में तो, तो हम पहली बार इनका बयान देख रहे हैं तो हम ऑलरेडी जिनके बयान हमें अच्छे लगते हैं उनका नाम बता देते हैं हम मौलाना तारिक जमील के बयान देखते हैं बहुत ज्यादा और वो बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करते हैं इसलिए हमने अभी तक आई दस या बारह वीडियोस बना दी होंगी उन्हीं के बयान पर सो अभी अब इनका भी बयान देखने वाले हैं तो देखते हैं इनके कैसे होते हैं यस yes, और मतलब ना बयान ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत ना, थोड़ी knowledge knowledge है, exactly. मतलब अच्छी चीजें ले सकते हो गुड hmm. पार्ट्स हम हमेशा उठाते हैं ये मतलब सब चीजें जो होती को करनी तो देखते हैं बयान में क्या हमें न्यू बात बताने वाले हैं तो विदाउट एक नौजवान लड़का है जिसका नाम अबू है बकरिया चराता है और अपनी खाला के यहाँ क्याम पजीर है एक दिन उसने हुजूर को देख लिया और खुशकिस्मती के हुजूर ने भी उसे देख लिया तेरी पहली नजर का वार तोबा दिल अब तक दुआएं दे रहा है तो अब उसको सब बकरियां भूल गई वो बकरियां लाता है और चरागाह में छोड़ता है और आके हुजूर की मजलिस में बैठ जाता है एक दिन खाला को पता चल गया कि ये तो सारा दिन वहां बैठा रहता है तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि तुम वहाँ नहीं जाओगे अब एक दिन तो काटा दो दिन काटे लेकिन बर्दाश्त नहीं होता आके अपनी माँ को और खाला को बिठा के अबू के साफा कहने लगे नौजवान लड़का है कि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ नहीं जाऊंगा लेकिन एक बात तो मेरी मान लो उन्होंने कहा क्या एक बार तुम मेरे साथ चलो तो सही उसके बाद अगर तुमने रोका तो रुक जाऊंगा एक बार तुमने मेरे साथ जाना है उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं हामी ही भर ली ख्याल था कि ठीक है इसकी कहने पे हो आते हैं और उसके बाद जो है वो इसको फिर जोर भी देना पड़ेगा इसकी शर्त पूरी हो जाएगी अब अबू के साफा अपनी माँ को अपनी खाला को लेकर हुजूर की दहलीज पर पहुंचा कुछ देर बैठे और वापस चले तो उसे बेचैनी थी कि अब ये क्या बोलते हैं क्योंकि उसका मुस्तबल भी इस पर लगा हुआ था अब इसके दिल की धड़कने थम रही हैं कि पता नहीं मेरी माँ क्या बोलती है मेरी खाला क्या बोलती है तो अबू के साफा की खाला ने बोल के कहा कहा मार रा मिसला हाजर रजु जिंदगी में ऐसा सोना बंदा देखा ही नहीं दे। लख लोग आए जमाने ते महबूब खुदा कोई नहीं लखा लोग आए जमाने ते महबूब खुदा कोई नहीं लखा सोने बण बण बहंदे ने दि खाके पाजया कोई नहीं ओ दि खाके पाजया और आज़म चिश्ती मरहूम सारी जिंदगी हैरत में गुजार देते हैं और लिखते हैं कि समझा नहीं हूनूस मेरा इश्क बेसबात समझा नहीं हनूस मेरा इश्क बेसबात तू तो कायनाते हुन है या हुन कायनात तू तो कायनाते हुन है या हुन कायनात आहसन वजहन अबू के साफा कितना सोना चेहरा था कितना सोना चेहरा था वला अन का सौबन और जितने सोने कपड़े थे उतने सोने कपड़े भी किसी को पहने हुए नहीं देखा और तीसरी बात फरमाया वाअना कलामन जितनी मीठी बातें करता था शहर टपकता था उसके लहजे से अल्लाह अकबर उसके लहजे से शहर टपकता था तेनू सीने दी में ठंड आखा शहद गुलाब ते खंड आखा तेनू नबिया दा में लाड़ा आखा तेरे हिजर हाड़ा आखा तो कहा अबू को साफा आज के बाद हम तुझे नहीं रोकेंगे सवेरे आया कर शाम आया कर दोपहर आया कर तो जी भर के मुहम्मद के चेहरे को देख मुख चंद बदर शाह मथे चमक दाट नौरानी कालीफ तखमू रखी हिन मद भरिया दो अबरू कोस मिसाल दिसन दो अबरू कोस जैती नोक मिजा दे तीर छुटन

खरीदार गए अल्लाह हु अकबर कहा कि इतना सोना कलाम करने वाला भी मैंने आज तक नहीं देखा फिर कहा अबू किरसाफा क्या कहूँ, लगता था उसके चेहरे में सूरज घूम रहा है ऐसा हसीन था ऐसा सोना था ओ वाह वाह सो ये प्रॉफिट के बारे में थी पूरा जो बयान था उन्होंने उनको उन्हों एक्चुअली लाइक एक किस्सा सुना के उनके बारे में बताया कि वो कैसे थे यू नो अच्छा। पर्सन तो जो जो वो बताते थे जी लड़के के बारे बातों में बातों से शहद टपकता है हम्म 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 मतलब ही वाज यू नो सच अ स्वीट स्पोकन पर्सन और हाँ। जितना लाइक like, मैंने सुना जितना मेरे को पता है तो वो ये कहते हैं कि मतलब यू नो ही वाज सच अ काम एंड काइंड काइंड ऑफ मैन तो तूने ने देख ही लो कि उन्होंने हाँ। जैसे बताया उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा मतलब एकदम ऐसा कि कैसा पर्सन कि hmm. मतलब यार परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल और मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह से जब वो गई तो उन्होंने देखा यू you नो know? तो वो उनका भी, खुद भी मन नहीं करा कि वापस आने का वहां से क्योंकि वो इतने अच्छे पर्सन थे इतने मतलब यार अब नबी हैं तो ऑब्वियसली और लेकिन वैसे भी इज वन ऑफ द बेस्ट नबीज इन माय ओपिनियन तो उनके बारे में सब कुछ था वो उनकी ऐसी पर्सनैलिटी उनको लगी उनकी खाला को कि वो ऐसे हो गए कि भाई तो रोज़ जाओ हाँ और मतलब यार बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि मतलब इतने अच्छे से एक तो डिस्क्राइब हाँ। ना किस्से में कि इतना भाई मैं पूरा कि अक्षरों से तुम तो इमेजिन कर सकती हूँ कि इंसान को एक ऐसा हो सकता है इतने अच्छे से कि तुमने असली में देखा ना हो बट तुम जैसे जैसे वो बोल रहे थे कि रहे कि इमेजिन हो रहा था भाई वाओ वाओ बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुनकर हाँ, तो मतलब जो टाइटल था वो बिल्कुल सही था कि तू कायनात है हुस्न हुस्न है या कायनात तो हाँ, हाँ, बिल्कुल उनको सही बयान कर रहा है बाकी जो इनका बयान था वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया नहीं मतलब हाँ, इतना धीरे धीरे प्यार, प्यार से, से तो बहुत अच्छा तरीका था उनको मतलब एक्सप्लेन करने का और मुझे मतलब पता भी नहीं चला था कि स्टार्टिंग से कि वो ऐसा कुछ होगा बट जब उन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करना तो पता चला अच्छा अच्छा भाई बट hmm. बहुत अच्छा लगा बयान मुझे इनका hmm. बाकी मुझे लगता है कि उनके और भी बयान अच्छे होंगे आई गेस की छोटे छोटे किससे प्यार प्यार से समझाए हाँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा बयान था ये तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आप बताओगे आपको कैसा लगा ये वाला बयान यस कमेंट्स में बताओ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब लाइक बाय